मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु सरोज आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल सीएचएससी बायोलॉजी को। बहुत दिन होला आम चैनल किसी वीडियो आसुनुला कमेना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम थिला मो पाखे जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट थिला मोबाइल हो कि लैपटॉप हो सो मोर खराब हो जाइला। तो आज आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आम चैप्टर थिला फर्स्ट चैप्टर रो लास्ट वीडियो नहीं कि आसी सी हूँ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सीएचएससी रे प्रथम चैप्टर रु मुख्यतः आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रु क्वेश्चन आसता है से शॉर्ट नोट हो बिट क्वेश्चन हो कि डिफरेंस हो। तो चलतु आम आज वीडियो रे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन को भलसे बुझा। पूर्व वीडियो रे आम देखी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन ना जदि प्लांट रो जेकोसी भी गोटे वेजिटेटिव पार्ट से लीफ हो रूट हो स्टेम हो जदि से गोटे नुआ प्लांट डेवलपमेंट होता आम कहते वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आउथरे आम दुई बार व्यक्त करते गोटे हूँ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ गोटे हूँ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन होता ना आमर नेचुरली रूट स्टेम आउ लीफ रु बडर मध्यम गोटे नुआ प्लांट डेवलपमेंट होता। आज आम देखा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग्स रो इन्वॉल्वमेंट नुआ प्लांट डेवलपमेंट हुए ताको आम कहीपर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड पुरातन कालर ए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को लोक मैंने फॉर डिफरेंट पर्पज। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अच्छी से मोस्ट कॉमन होची कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग एंड माइक्रोप्रोपेगेशन। तो चलो देखिए आम आज कटिंग जोड़ा हो फास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल कटिंग कटिंग आपण मैंने सब कटिंग सहित परिचित थे ना कटिंग कौन ना जदि प्लांट रो जेकोसी गोटे पार्ट को आम सेपरेट करदे और अलग जगार लगे से नुआ प्लांट डेवलप है कटिंग। साधारण उदाहरण हूँ जदि आपण मैंने गोलाप गच सहित परिचित अच्छा गोलापर जब आम डाड़ा को काटिकी नहीं कि अलग जगार लगे किसी दिन पर कौन हो ना जो कटा अंशटे आम लगे से गोटे नुआ प्लांट तैयारी हो जाए ठीक अच्छे। तो कटिंग कौन एनी पर्सन ऑफ द प्लांट इट मे बी रूट स्टेम लीफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर प्लांट एंड ग्रोन इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड एज कटिंग ठीक अच्छे। तो कटिंग रे आम स्टेम नहीं पार लीफ नहीं पार कि रूट नहीं पार ताकू जदि आम पेरेन्ट प्लांट रु अलग करी अलग जगार सेपरेट करके लगे से नुआ प्लांट तैयारी कले आम कहवा कटिंग। स्टेम स्टेम कटिंग कौ कौ प्लांट करा जाए ये रोज चाइना रोज सुगर कैन गोलाप मंदार एवं आखु सुगर कैन रे मुख्यतः स्टेम कटिंग करा जाए। रूट कटिंग कौ कौ प्लांट करा जाए लेमन ऑरेंज एंड टिमेरेंडस ठीक अच्छे। टिमेरेंडस माने तेंतुली तेंतुली गछ रे कौन करा जाए आम रूट कटिंग माध्यम रे भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करूँ। तो लीफ लीफ माध्यम रे कौ कौ प्लांट रे आर्टिफिशियल मेथड होची से होची ब्रायोफाइलम आउ बिगोनिया ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट चलन देखा लेयरिंग इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर सीएचएससी पॉइंट ऑफ व्यू। लेयरिंग कौन देखते भलसे बुझु लेयरिंग कौचि जदि आम आर्टिफिशियली गोटे स्टेम रु आर्टिफिशियली स्टेम रो गोटे ब्रांच रु जदि आम रूट डेवलपमेंट करदे विथआउट डिचार्टिंग फ्रॉम द पेरेन्ट प्लांट जदि गोटे पेरेन्ट प्लांट रोटे स्टेम अच्छी से स्टेम को पेरेन्ट प्लांट आटाच होगी थी जेकोसी आर्टिफिशियल मेथड रे आम जो से स्टेम रु आम कौन करवा रूट डेवलपमेंट करयरिंग देखो ये गोटे ये गोटे मन कर गच्छ अच्छी गोटे ब्रांच आर जदि ए पेरेन्ट प्लांट रे थाई कि ए ब्रांच रे ब्रांच जदि आम रूट तैयारी करि पाले ताको आम कहवा लेयरिंग ठीक अच्छे। तो लेयरिंग कौन आर्टिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन द स्टेम ब्रांच बिफोर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेन्ट प्लांट इज कॉल्ड एज लेयरिंग ठीक अच्छे। तो लेयरिंग मुख्यतः तीन प्रकार लेयरिंग मुख्यतः देखा दे था तीन प्रकार लेयरिंग गोटे हूँ गोटे हूँ माउंड लेयरिंग गोटे हूँ सर्पेंटाइन लेयरिंग आ गोटे हूँ एयर लेयरिंग जहाँ आम कौ गुटी ठीक अच्छे। तो चलते आम देखा गोटे गोटे प्रथम देखूँ फास्ट हूँ माउंड लेयरिंग
ठीक अच्छे। मॉन्ड लेयरिंग कौन ना, इट इज ए टाइप ऑफ लेयरिंग स्पेशल एम्प्लॉयड फॉर हर्बेसियस प्लांट हैविंग सॉफ्ट ब्रांचेस नियर द ग्राउंड। तमाने माउंड लेयरिंग को प्लांट करा जाए जो प्लांट रो भूमि पाखरे सॉफ्ट ब्रांचेस थाए। ठीक अच्छे। तो ये जो माउंड लेयरिंग अच्छी, माउंड लेयरिंग कौन करा जाए देखो, ये गोटे हर्बेसियस प्लांट जार कि ग्राउंड रु किसी मीटर दूरतार सॉफ्ट ब्रांचेस अच्छी। प्रथम कौन करा जाए गोटे सुइटेबल ब्रांच को सिलेक्ट करा जाए नियर द ग्राउंड। तापरे तार किसी अंश को डिफोलिएटेड करा जाए। तापन डिफोलिएटेड माने कौन, तार किसी अंश देख तो किसी अंश कौन करा जाए ना लीफ को रिमूव करा जाए जहाँ कौन आम डिफोलिएशन। तापर जो डिफोलिएट रीजन अच्छे ताको बार्क रिमूव करा जाए किंबा नाइफ हो जाए कौन से गोटे इंजोर दि जाए। इंजोर माने कौन एनी कट दि जाए। कट कौन करा जाए, कट देलापर से जो कट पार्ट कौन करा जाए ना भूमि तले बैंड करके रखा जाए इन सच ए वे दैट द अपर पर्सन ऑफ द स्टेम रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। ता माने कौन करा जाए से जो कट बा इंजोर पार्ट को माटी तले पोती दि जाए। एभलिया पोती दि जाए जो भाई कि तार तार जो ब्रांच रपर भागटी मटर उपर पटे रहे। ठीक अच्छे। ये जो ब्रांच टी है जो ब्रांच टी देखे आपण मैंने जोटे कि कट पार्टा को तले बैंड को रखा आपको ही कहा लेयर। ठीक अच्छे। तो तापर किसी दिन पर देखिए ना जो आपण मैंने गच्छ लगे ये जो पेग डाउन कराई सॉइल भितर से इंजर्ड पार्ट किसी दिन पर कौन कर एडवांटेजियस रूट बाहर। जदि आम कौन करवा ना ये ब्रांचटा को कट करके अलग जगह लगे ये कौन हम ना ये गोटे इंडिविजुअल प्लांट रे डेवलप हो जाए। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखो सरपेंटाइन लेयरिंग, आपको आम मुख्यतः कंपाउंड लेयरिंग कही था। सरपेंटाइन लेयरिंग मॉन्ड लेयरिंग रो टाइप किंतु कौन होता ना मॉन्ड लेयरिंग रे आपण मानकर ये जो इंजर्ड पार्ट अच्छे आम गोटे थर माटी तले पेग्री डाउन करूँ तो मैंने गोटे थर ही बैंड करूँ। किंतु जदि जो लेयरिंग रे आपण मानकर स्टेम को मेनी टाइम्स कौन कर मेनी टाइम्स पेग्री डाउन कर मेनी टाइम्स सॉइल सॉइल भितर स्टेम टू रखा आपको कहब सरपेंटाइन लेयरिंग। देखते ये गोटे स्नेक भाया दुसी साप भाया दुसी तेणुक आम या कौच सरपेंटाइन लेयरिंग। ये मुख्यतः तो बिट क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टाट आपण मैं देखिए हियर ब्रांचेस नियर पुट इन द सॉइल मेनी टाइम्स टू फॉर्म न्यू प्लांट। ठीक अच्छे। तापर हूँ लास्ट लेयरिंग रो मेथड जोड़ा कि बहुत इम्पोर्टाट सी हूँ एयर लेयरिंग जगह आम कौ गुटी। सो एयर लेयरिंग कौन ना एयर लेयरिंग इज आल्सो कॉल्ड एज गुटी। आपण मैंने दशम क्लास में पढ़ते गुटी। गुटी कौन ना जदि लेयरिंग को आम एयर रे करवा तो स्टेम टी एयर रे थी आम कह एयर लेयरिंग मटी तले कौन प्रकार पोतापोती न करी लेयरिंग गच्छ उपरे ही स्टेम करवाको कह एयर लेयरिंग आपको अदरवाइज कौन गुटी। तो कौन कौन प्रोसेस अच्छी, फास्ट प्रोसेस हूँ ना कौन करवा ना गोटे हेल्दी ब्रांच गोटे गच्छर भूमि किसी मीटर उच्चर थिबा एक सुस्थ शाखा को प्रथम कौन करवा सिलेक्ट करवा। सिलेक्ट कलापर आपण मानकर मेन स्टेम रु पाँच रु छ सीएम कौन दूर रे कौन करवा एरियल जो शाखा अच्छी ताक कौन करवा गोटे बार्क रिमूव करदेगा। ता माने कौन करवा ना किसी ब्लेड साहर हो किसी जेकोसी नाइफ साहर हो आम कौन करवा ना मेन स्टेम रु पाँच रु छ सीएम छाड़ी कौन करवा ना जो बार्क छाली अच्छे ताको रिमूव करदेगा। ठीक अच्छे। रिमूव कलापर ए जो रिमूवड पार्ट अच्छे ग्राफ्टिंग क्ले द्वारा कभर करके रखा ना ग्राफ्टिंग क्ले कौन ना ग्राफ्टिंग क्ले कौन ना ग्राफ्टिंग क्ले हूँ इट इज ए क्ले कनसीस्ट अफ 2% अफ काउडंग 2% गाई गोबर 2% नड़ा आउ किसी रुटिंग हरमोन रो कम्बिनेसन को कहूँ आम ग्राफ्टिंग क्ले।
जो कट पोर्शन बा बाक रिमूव करचे ता कोन करिया प्रथमे ग्राफ्टिंग क्ले द्वारा कवर करके रखिबा। ग्राफ्टिंग क्ले जेमिति न बाहर ताकू करिया पे कोन करिबा ना किसी पॉलीथिन सीट द्वारा कवर करिबा। कवर कर रखिला परे ए जो ब्रांच टी को आम कह लेयर ठीक अच्छे ना प्रथम कौन कराला ना जो मेन सॉरी देखु जो मेन स्टेम अच्छी ए मेन स्टेम रो 5 रु 6 cm छाड़ी कौन करवा ना गोटे बार्क रिमूव करवा। तापर कौन करवा जो जो इंजर्ड पार्ट बा रिमूवल जो बार्क करचे ताको हमें ग्राफ्टिंग क्ले द्वारा कवर करवा। तापर से ग्राफ्टिंग क्ले को चारिपटे कौन करवा ना गोटे पॉलीथिन सीट द्वारा कवर करके रखा। आ बेले बेले कौन करा जाए ना पॉलीथिन सीटा को ड्राए रख सॉरी वेट रखापी तो उदाड़िया रखापी ऊपर कौन करा जाए ना ड्रॉप 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 पानी मध्य बेले बेले दि जाए ठीक अच्छे। तापर कौन हुए ना आफ्टर 2 to 3 week एडवांटेजियस रू डेवलप फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट। देखिए ना 2 रु 3 सप्ताह पर जो इंजर्ड पार्ट अच्छे भितर एडवांटेजियस रूट डेवलप कर रूट डेवलप कला पर कौन कर कौन कर जो शाखाटा को अलग कर अलग जगह प्लांटेसन कर नुआ प्लांट डेवलप कर ठीक अच्छे। आपण मैंने जब नोट्स चाहते तो मुझे मोर डेस्क्रिप्शन डेस्क्रिप्शन बॉक्स रे ए पूरा चैप्टर रो नोट्स रो पीडीएफ दे देवी से भितर जाकि डाउनलोड करके आपण मैंने पढ़े आउ नोट मध्य करदे खातार ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट हूँ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट फॉर सीएचएससी। ग्राफ्टिंग कौन ना ग्राफ्टिंग रे कौन करा जाए बुझन भलारे ग्राफ्टिंग कौन सो ग्राफ्टिंग रे कौन करा जाए बुझंतु ना जो प्रोसेस रे दीटा प्लांट पार्ट को नहीं कि जॉइंट करके गोटे नुआ वैरायटी रो प्लांट डेवलप करा जाए ताको हम कहिबा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कौन ना धरनियंतु दीटा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट अच्छी दीटा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट रो पार्ट को नहीं कि आम जॉइन करके गोटे नुआ प्लांट डेवलप करवा जे कि भल वैरायटी रो प्लांट हेतिव। तो चलो डेफिनेशन देखिबा हियर ए न्यू वैरायटी इज फॉर्मड बाय जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट डाइकॉट प्लांट हैविंग कैम्बियम। ता माने कौन ना दीटा डाइकॉट प्लांट रो कैम्बियम थिबा दीटा डाइकॉट प्लांट रो पार्ट को मिसेकी जदि आमे गोटे नुआ वैरायटी रो प्लांट डेवलप कले ताको आमे कहिबा ग्राफ्टिंग ठीक अच्छे। तो मन प्रश्न आसतो सर कैम्बियम कौन ना देख आम जोबले फास्ट इयर रे टिश्यू पढ़ुले मुझे कही ना जो जाइलेम आ फ्लोएम जो अच्छी जहाँ कह भास्कुलार बंडल भास्कुलार बंडल बहुत प्रकार था मुझे से टाइम गोटे कही ना ओपेन आ क्लोज्ड भास्कुलार बंडल्स से विषय मुझे जो जाइलेम आ फ्लोएम भितर कौन था किसी मास ऑफ पेरेन्काइमाटस टिश्यू थाए कहते कैम्बियम और जो कैम्बियम रो प्रेजेंट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ओनली डाइकॉट प्लांट ठीक अच्छे। तो ए भितर गोटे भल क्वेश्चन बाहर कौन आसला ना ग्राफ्टिंग रे कौन करा जाए ना ग्राफ्टिंग कैम्बियम रहा निहाती आवश्यक ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखु जो ग्राफ्टिंग दीटा प्लांट पार्ट रि जाए गोटे गोटे कौन था ना गोटे रूट गोटे पर्सन रोटे पार्ट्रे रूट थाए रूटेड सुट थाए जहाँ आम कौ स्टक आ गोटे कौन थाए ना आ गोटे एनादर प्लांट रे कौन कर स्टेम नहीं था कौ सीयन। तो देख मु चित्र देती देखो ग्राफ्टिंग में कौन करा जाए ना दीटा प्लांट पार्ट नहीं जॉइन करा जाए एवं दीटा प्लांट पार्ट डाइकॉट होता दरकार आगे कैम्बियम प्रेजेंस होगा दरकार। तो कौन करा जाए ना गोटे रूटेड पार्ट नहीं रूटेड पार्ट को कौन कहवा आम रूटेड पार्ट को कहवा स्टक मन रखी था रूटेड प्लांट पार्ट जो ग्राफ्टिंग निकल कौन करती स्टक आउ जो अपर पार्ट्रे जो सुट पर्सन निमें कौ सीयन ए सीयन को कौन कर स्टक आ सीयन को एभली कट करा जाए जो भाई कि कैम्बियम दुईटा कंटाक्ट होटाक्ट हो रहा कौन करा जाए ना जो ये जो जॉइंट जॉइंट पर्सन अच्छी आपको टाइटली कौन करा जाए बाइंड करा जाए पूरा जोर से कौन करा जाए ना डिफ टेप द्वारा कौन करा जाए बंधा जाए बांधला किसी दिन आपको रखा जाए
रखला परे आफ्टर 2 to 3 मंथ न्यू शूट्स डेवलप्स फ्रॉम द न्यू लीफ एंड शूट डेवलप फ्रॉम द अपर पार्ट एंड द एंटायर पर्सन डेवलप्स इनटू ए सिंगल प्लांट और जो प्लांट भितर कि दीटा प्लांटर कैरेक्टर थी स्टॉक रो सहित सियर नए गोटे इम्प्रूवड भेरिटी थी ठीक अच्छे। तो लास्ट हूँ माइक्रो प्रोपागेशन कौन द जेनरेशन ऑफ ए होल प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल टिश्यू और स्मॉल पीस ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर थ्रो टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपागेशन। तो माइक्रो प्रोपागेशन कौन कौन टी बुझा माइक्रो प्रोपागेशन कौन जदि ये गोटे प्लांट जदि प्लांटर जेकोसी टिश्यू हो कि स्मॉल पीस हो ए स्मॉल पीस को टिश्यू कल्चर मध्यम जदि आम नुआ प्लांटर रिजेनेरेसन माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन माने कौन माइक्रो माने स्मॉल ता माने प्लांटर स्मॉल पार्ट रु जदि आम टिश्यू कल्चर व मॉडर्न टेक्निक रे अप्लाई करके जदि नुआ प्लांट डेवलप कर पारले ताको आम कह माइक्रो प्रोपागेशन बुझला। तो इट इज ए मॉडर्न टेक्निक फ्रॉम द प्लांट प्रोपागेशन इन विच लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्लांट इज डेवलप्ड इन शॉर्ट टाइम। तो माने माइक्रो प्रोपागेशन हूँ गोटे मॉडर्न टेक्निक जो भितर कि आम कौन कर गोटे कम समय भितर बहुत परिमाण प्लांट को डेवलप कर ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देख मुझे डायग्रामेटिकली बुझे ये गोटे प्लांट गोटे प्लांट गोटे स्मॉल पार्ट को निया जाए स्मॉल पार्ट को निया जाए जो स्मॉल पार्ट को यूज करा जाए टिश्यू कल्चर रे कौन करें कह एक्सप्लांट एक्सप्लांट को नहीं कि गोटे आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम रे तमाने आर्टिफिशियल आम गोटे मीडियम तैयारी करवा जो भीतर कि प्लांट सेल टी टिश्यू टी ग्रो करने जहाँ भी रिक्वायरमेंट अच्छी सी खाद्य पदार्थ हो हार्मोन आरंभ करके जहाँ भी जिनस दरकार अच्छी ता से भितर उपलब्ध थी ताकू से भितर नहीं कि ग्रो करने छाड़देव ग्रो कलापर कौन हम ना जो स्मॉल पार्ट बा एक्सप्लांट नहींचे किसी समय पर कौन किसी दिन पर कौन ना जो एक्सप्लांट नहींचे ता चारिपटे किसी मास ऑफ पेरेन्काइमेटो सेल डेवलप हम ताको आम कौन कह कैलस ठीक अच्छे। आउ कौन करवा ना कैलस को नहीं कि आउ थे कल्चर करवा सब कल्चर करवा मीन बारंबार कला कौन हम ना ये जो कैलस रु गोटे नुआ प्लांटलेट टी तैयारी हम आ प्लांटलेट को नहीं कि आम पट्रे ट्रांसफर करके नुआ नुआ भावे देखिपार आपण मैंने देखुवे ना नर्सरी मानक कौन कराए ना बहुत गुड़े प्लांट डेवलप कराए। तो नर्सरी मानक मुख्यतः माइक्रो प्रोपागेशन करी कौन कराए ना बहुत गुड़े प्लांट डेवलप करा जाए। एथस तो चैप्टर वन पूरा कम्प्लीटली सरी जाए मुझे नेक्स्ट वीडियो नहीं कि आसवि जो भितर कि किसी शॉर्ट क्वेश्चन और बिट क्वेश्चन रहीसत मुझे रखुची ना मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे कौन करी ना जो कम्प्लीट चैप्टर रो नोट्स देदेवि आपण मैंने जाकि डाउनलोड करेंगे देखिए पढ़े आउ ताको निज खातारे नोट कर रोची धन्यवाद।